नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने साहब काशी राम के साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया और उनके मूवमेंट्स को समझा और उनके मूवमेंट्स को बहुत आगे तक बढ़ाया है। उसमें से एक था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था, आइए हम लोग जानते हैं किसी पीपल साहब से। किसी पीपल साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद पीपल साहब। एक बात बताइए, साहब काशी राम की रैंक से एक मंडल कमीशन करके था, तो वो क्या था, उसका थोड़ा उजागर करें ताकि लोग समझ सके क्या था मंडल कमीशन जो काशी राम साहब लेके चल रहे थे। देखिए, मंडल कमीशन जो काका काजलकर कमीशन बना था आजादी के बाद में, तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर अनुच्छेद 340 जोड़ा था। अनुच्छेद 340 एक सामाजिक न्याय की बात करता है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी जो दलितों का आंदोलन चलाया था, अछूतों का आंदोलन चलाया था, तो अछूतों की जो छितरी हुई जातियां थीं, उत्पीड़ित जातियां थीं, उनको सबको, जो बहिष्कृत जातियों को बहिष्कृत हितकारी सभा बना करके उन्होंने इकट्ठा किया था। उसके बाद में 1942 में उन्होंने उनका नाम शेड्यूल कास्ट दिया, एक शेड्यूल बनाया, और उसमें बहुत सी जातियां, पूरे देश भर की अछूत जातियां थीं जिनको अपना पानी छूने का अधिकार नहीं था, ऐसी जातियों को उन्होंने इकट्ठा करके, उन पिद्दी जातियों को इकट्ठा करके उनको एक मजबूत जातियों के रूप में इकट्ठा किया, एक वर्ग बनाया। तो उनका एक लक्ष्य था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास। जिस तरह से कार्ल मार्क्स का आपने सुना होगा कि उन्होंने सर्वहारा वर्ग की बात करी, और उन्होंने कि जो सर्वहारा होता है वो ही देश का शासक बन सकता है, मिडिल क्लास कभी देश का शासक नहीं बन सकता, या तो गुलाम शासक बनेगा यह शासक जो गुलाम बनेगा। यह हमेशा सदियों से लड़ाई चलती चली आई है। इसी चीज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जातियां थीं उसको वर्ग में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया, और उन्होंने महार से शुरू करके बहिष्कृत हितकारिणी बना करके, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना करके उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई 1942 में। उसके माध्यम से अंग्रेजों की सरकार से उन्होंने मांग की, और उसी समय उन्होंने उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उस समय मांगा, और अंग्रेजों के समय में उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया। उनकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी उससे उनके कई लोग जो बॉम्बे विधानसभा थी उसमें जीते थे, और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया उस लड़ाई के लिए। लड़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ है जिससे आरक्षण मिला है, उसी समय उससे पहले उन्होंने कमनल अवार्ड उनको मिल गया था। तो कमनल अवार्ड में जो सेपरेट लैंड फॉर द शेड्यूल कास्ट, और उनके लिए जो दो वोट का अधिकार मिला था, इस वोट के खिलाफ जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि ये दो वोट का अधिकार मिलने से जो दलित लोग हैं वो तो, उनके लिए दो जगह वोट मिलेगा, दो वोट देने का अधिकार मिलेगा, और जो जनरल लोग हैं वो अपने एक वोट से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें जो जनरल के लोग हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये दो वोट का मताधिकार तो मेरी कब्र पर ही मिल सकता है, मेरे जीते जिए नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद में जो पूना पैक्ट हुआ, जैसे समझौता बोलते हैं उन गांधी जी के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने कहा कि जितनी आपने कमनल अवार्ड में जो रिजर्व सीटें थी उससे ज़्यादा रिजर्व सीटें देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो उनको उससे ज़्यादा रिजर्व सीटें मिली, और यह तय हुआ कि जनसंख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जितनी उनकी जनसंख्या होगी शेड्यूल कास्ट की उतना उनके लिए रिजर्वेशन मिलेगा। और आज तक मतलब रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को जनसंख्या के अनुपात में मिलता चला आया है। तो इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेजों ने कहा कि भाई अगर इनको संविधान बनाने का मौका मिलता है तो जिन वंचितों के अधिकारों की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है इस देश के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर सकते हैं, तो इनको संविधान बनाने का मौका दिया जाए। क्योंकि जब वो पहला जब 1931 का जो संविधान बना उसमें भारत का जो सेकेंड इंडिया एक्ट था,
उसमें बाबा साहब अम्बेडकर मेंबर थे उस संविधान को समिति में, इनको अनुभव है संविधान बनाने का, इसलिए भारत का संविधान बनाने का इनको मौका दिया जाए, तो इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनके अंग्रेजों के कहने पर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने लड़ करके संघर्ष करके जो मेरे दलित लोग थे जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, अछूत लोग थे, उनके लिए रिजर्वेशन का अधिकार, मैंने रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया है। रिजर्वेशन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी नहीं करी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी और महात्मा गांधी ने रिजर्वेशन की बात करी थी। तो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसके बाद में ये रिजर्वेशन शुरू हुआ। तो रिजर्वेशन से उन्होंने अनुच्छेद 340 जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि जो और भी लोग थे जो शूद्र जातियां थी, शूद्र जातियों में दो तरह की जातियां थी, एक तो वो जातियां थी जो अछूत थी, एक वो जातियां थी जो सचूत थी, जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी लोग पी लेते थे। तो उन जातियों में जैसे जाट हो गए, अहीर हो गए, कुर्मी हो गए, काशी हो गए, मल्ला हो गए, गडरिया हो गए, कुम्हार हो गए, इस तरह की जो जातियां हैं 6743 जातियां, जिन जातियों को उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, वो उनकी स्थिति भी भारतीय जो हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उनकी स्थिति शूद्रों की थी। तो वो शूद्र सारे के सारे जो है चौथे वर्ण में आते थे, उन सारे वर्गों के, उन सारे मतलब लोगों के लिए 1848 में महात्मा फुले ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था गुलामगिरी। उस गुलामगिरी किताब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फुले को अपना सामाजिक गुरु मानते थे, तो उसको फॉलो करने के लिए उनसे पहले जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया था वो ओबीसी जाति के थे, वो कुर्मी जाति के थे, जिनका नाम छत्रपति साहू महाराज था जो कोल्हापुर स्टेट के राजा थे। उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने स्टेट में 50% जो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो शूद्र जातियों को, किसान जातियों को, दलित जातियों को दिया। ये पहला भारत के इतिहास में रिजर्वेशन का एविडेंस था। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो मेरे ऊपर जो कर्ज है, किसका कर्ज है, महात्मा फुले का, जो ओबीसी बिरादरी के थे, तो उस कर्ज को हम ब्याज सहित भुगतान करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसलिए संविधान बनाने का जब उनको मौका मिला तो उन ओबीसी जाति के लिए उन्होंने अनुच्छेद 340 जोड़ा। तो अनुच्छेद 340 के तहत काका कालेलकर आयोग बनाया गया। काका कालेलकर आयोग जब बनाया गया तो उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को जो पंडित नेहरू की कांग्रेस सरकार थी उसने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद में जब 1978 में सरकार चेंज हुई, 79 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने उस मंडल कमीशन को फिर से रखा, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, दूसरा आयोग बिठाना चाहिए। तो उन्होंने एक अध्यादेश पारित करके बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार में यादव जाति से संबंधित थे, उनको उसका चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन बनाने के बाद में उसकी रिपोर्ट जब आई तो ये जनता पार्टी की सरकार चली गई। तो 1980 में इंदिरा गांधी फिर भारत की प्रधानमंत्री बन गई। जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो ये जनता पार्टी के, जनता दल के लोग थे, उन्होंने फिर मांग की कि इसको संसद के पटल पर रखा जाए, उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो ये रिपोर्ट, रामविलास पासवान का भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, उनके कहने पर ये सरकार ने रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर रखी। जब संसद के पटल पर रखी तो उसमें 1931 में जो जाति के आधार पर जनगणना की गई थी उसके डेटा के आधार पर वो रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें पहली बार ये पता लगा कि इस देश के अंदर 52% जो जातियां हैं वो ओबीसी की जातियां हैं, 52% जिनकी जनसंख्या है वो ओबीसी की जनसंख्या है, और इनकी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती थी, उन्हें पता था कि इनकी जनसंख्या उस समय 22.5% थी दोनों की। तो दोनों को रिजर्वेशन मिला हुआ था। तो 78 में जब नहीं मिला रिजर्वेशन तो उसके बाद में काशीराम साहब को वो डेटा मिला पार्लियामेंट की रिपोर्ट से, तब उनको ये भी पता लगा कि इस देश के अंदर केवल एक वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग का, इस देश के अंदर जो नौकरियां हैं उसमें उनके लिए 80% हिस्सेदारी है, जिनकी जनसंख्या देश के अंदर 3% है और उनकी हिस्सेदारी 80% है। तो
जबकि रिजर्वेशन मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, उनके लिए 4% भी रिजर्वेशन उस समय पूरा नहीं हुआ था, उनका रिजर्वेशन इतने साल में पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो ब्राह्मण जाति है उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था भारत के अंदर, लेकिन उनकी सरकार थी इस देश में पंडित नेहरू की, उनका जो आबादी थी उससे कई गुना ज्यादा 80% नौकरियां उनके पास आ गई। क्योंकि ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, जब 1935 में अंग्रेजों की सरकार थी उस समय भारत में जो 3% आबादी ब्राह्मणों की है उनकी नौकरियां भी 3% थी। तब वो कहते थे कि अचानक ही 1980 में आते आते उनकी इतनी योग्यता कैसे बढ़ गई कि 3% जमात को 80% नौकरियों पर कब्जा हो गया, उसमें बिना रिजर्वेशन को हो गया। तब उनके दिमाग में आई कि इसकी जड़ में राजनीति है, इसकी जड़ में सत्ता है, जिसके पास सत्ता होती है उसके लिए रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं होती, और जिसके पास सत्ता होती है उसका रिजर्वेशन होते हुए भी उनके लिए रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि अब हम दलित लोग खाली इस देश के अंदर सत्ता स्थापित नहीं कर सकते। तो काशीराम जी ने उस समय सोचा मंडल कमीशन की रिपोर्ट से कि अब बहुजन समाज अगर इकट्ठा हो जाता है तो हम अपने बहुमत के आधार पर, हमें दो वोट की जरूरत नहीं है जो काशीराम साहब, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया था, बल्कि हम बिना दो वोट के अधिकार के, इसी वोट के अधिकार से जो हमें स्थापित मिला है, अगर हम बहुजन समाज को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने दलित समाज के साथ साथ अगर ओबीसी समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए हम आंदोलन चलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो रिजर्वेशन वाला क्लास है ये सब इकट्ठा हो जाएगा। तो बाबा साहब का एक सपना था हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास, तो ये जातियां हैं जो लुटे पिटे लोग हैं वो सब इकट्ठे हो सकते हैं, और लुटे पिटे लोगों का जो शोषक है और शासक है दोनों लोग जो है शोषित के साथ कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करवाने के लिए बामसेफ के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने ये आंदोलन चलाया, और उसमें बामसेफ के जो दलित लोग थे उनको तैयार किया, और जबकि उसका इंटरेस्ट जो है उसमें ओबीसी का ज़्यादा था, ओबीसी लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, तो उन्होंने जो है इसके लिए आंदोलन चलाया, पूरे दिल्ली की सड़कों पर जाम कर दिया। और उन्होंने कहा, बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो उन्होंने ये कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। क्योंकि वो इलाहाबाद से, उन्होंने जब इलेक्शन बीपी सिंह के खिलाफ काशीराम साहब ने लड़ा था उस समय उन्होंने जब दबाव बना रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि एक तरफ कुर्मी दूसरी तरफ चमार, ये इकट्ठे कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा बीपी सिंह ने कि हम भी अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर मंडल कमीशन को लागू करने की बात जोड़ते हैं। तो जब मंडल कमीशन तो मैनिफेस्टो में तो जोड़ दिया, लेकिन बीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने उस मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। तो उन्होंने कहा भाई राजा साहब, आपने मैनिफेस्टो में ये जोड़ा है लेकिन आप लागू नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपने वायदा नहीं निभाया, जो जनता से वायदा किया है वो वायदा नहीं निभाया है। तो उन्होंने चौधरी देवीलाल से बात करी, चौधरी देवीलाल से बात करी, उन्होंने कहा चौधरी साहब ये सरकार तो आपने बनवाई है, जनता दल के नाम पे वोट मिला है, राजा साहब को आपने प्रधानमंत्री बना दिया है, और राजा साहब जो है इस मंडल कमीशन को लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ बीजेपी का भी सपोर्ट है। तो उन्होंने दबाव में जब आए काशीराम जी के, तो मजबूरी में इनके लिए 1990 में, अगस्त 1990 में ये रिपोर्ट लागू करनी पड़ी मजबूरी में, और दूसरी तरफ जो है उसके खिलाफ मंडल कमीशन के खिलाफ पूरे देश के अंदर आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो जो शूद्र वर्ग था, जो ओबीसी वर्ग था, जो अपने को छत्री बोलता था, जो अपने को दलितों को साथ नहीं, दलितों के ऊपर अत्याचार किया करता था, लेकिन उसके खिलाफ ही खुद लोग जो है, जो सवर्ण बिरादरियों के लोग थे वो ओबीसी वर्ग के खिलाफ खड़े हो गए। तो जो उनकी दुश्मनी कभी दलितों के साथ हुआ करती थी वो दुश्मनी जो है ओबीसी के साथ भी खड़ी हो गई। तो ये लुटे पिटे जो लोग थे, आरक्षण के जो लोग थे, आरक्षण में आने वाली जो जातियां थी उनकी संख्या जो 22.5% हुआ करती थी वो 85% जनसंख्या एक खाने में खड़ी हो गई। और जो बाबा साहब का मिशन था कि ये सब लोग जो इकट्ठे हो जाएंगे, जो पूरा बहुजन समाज है, तो इस देश के ऊपर राजनीति करना आसान हो जाएगा। इसलिए जो नारा लगाया करते थे लोग कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा, तो ये मिशन यही था
कि जो 85% जो जातियां हैं, जो शूद्र जाति है, शूद्र वर्ण बनाया है जो हिंदू धर्म में, वो इकट्ठा होना चाहिए और एक साथ एक आवाज में बोलना चाहिए। तो आज भी जो रिजर्वेशन है इस देश में, वो पूरे बहुजन समाज का, एससी एसटी ओबीसी का कॉमन इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट पे जब बात करी जाती है तो सब लोग इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए जो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इस रिजर्वेशन को तोड़ना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुत अधिक पिछड़ा, ये तीन तीन मतलब जो खाने बनाना चाहती हैं। क्योंकि अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, तो इनको सत्ता से दूर करने के लिए इन सरकारों का ये षड्यंत्र चलता रहेगा कि इस जो जाति है, जो बहुजन समाज का जो वर्ग बना है, इस वर्ग को तोड़ा जाए। क्योंकि वर्ग ही सत्ता में आ सकता है, जाति कोई सत्ता में नहीं आ सकती है। इसलिए हमारा लक्ष्य कि ये बहुजन समाज इकट्ठा रहना चाहिए, सभी जातियां इकट्ठा रहनी चाहिए। हमें जाति टकराव की बात न करके हमें बहुजन समाज की बात करना चाहिए। वो हमें भले ही चमार कहते रहें, लेकिन हम जो है उनको बहुजन समाज कहते रहेंगे। वो हमें भले ही यादव कहते रहें, लेकिन हम भी फिर भी यादव भी बहुजन समाज कहते रहेंगे। वो हमें जाट लीडर कहते रहें, लेकिन हम कहेंगे बहुजन समाज का लीडर है। ना यहाँ कोई चमार लीडर है, ना कोई यहाँ यादव लीडर है, ना कोई यहाँ जाट लीडर है। आज वर्ग बन गया है, तो आज लीडर है तो ये सारे जातियों के लीडर, उनको हमें सिर्फ बहुजन समाज के लीडर के नाम से संबोधित करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमें जो है ज्यादा उसमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, जब ब्राह्मण से कोई उसकी जाति पूछी जाती है तो ब्राह्मण कोई अपनी जाति कोई नहीं बताता, वो ब्राह्मण अपना वर्ग बताता है। ब्राह्मण जो है एक वर्ण है, जाति नहीं है। उसके अंदर जातियां हैं ब्राह्मणों के अंदर, लेकिन हमारा वर्ण जो है शूद्र है, लेकिन हम अपनी वर्ण कभी नहीं बताते शूद्र, अपनी हम जाति बताते हैं। तो जो जाति प्रधान जो लोग हैं, जाति प्रधान जो जातियां हैं, जो अपनी जाति से संबोधित करती हैं, वो शूद्र हैं, और जो अपने वर्ण से संबोधित करते हैं वो सवर्ण हैं। इसीलिए उनको सवर्ण बोला जाता है और हमें जो है अवर्ण या शूद्र बोला जाता है। ये चीज हमें जो कल्चर है, इसमें हमें चेंज लाना पड़ेगा। हमें जब हम शूद्र की बात करते हैं तो वो लोग हमें बार बार हिंदू बोलते हैं, और हिंदू जब हम शूद्र को जबकि प्रताड़ित किया जाता है, तो जो प्रताड़ित वर्ग है उसको हिंदू के नाम से संबोधित ना करके उन्हें शूद्र के नाम से संबोधित करना चाहिए। जब तक ये पूर्ण रूप से बहुजन ना बन जाए, तो पहले शूद्र जो है आरक्षण में आए, उसके बाद में वो बहुजन बने, बहुजन के बाद में ये जो अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो बुद्धिज्म होगा, और बुद्धिज्म जब आ जाएगा तो बुद्ध के नाम पे ही सत्ता हो सकती है। अभी बहुजन के नाम पे सत्ता होगी, बाद में यही बहुजन आगे जा करके भगवान बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, यही सारे के सारे बुद्ध बन जाएंगे। ये रास्ते हैं। इसलिए हमें ये मंडल कमीशन जो है इस देश के अंदर एक वरदान है, और इस मंडल कमीशन को हमें आगे लाना चाहिए। इसकी हमें लड़ाई जब तक बरकरार करना चाहिए, जब तक कि मंडल कमीशन तो मिल गया है, लेकिन 52% जो शूद्र वर्ग है, 52% जो ओबीसी है, उनको जब तक 52% नहीं मिल जाता है, तब तक हमें ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। क्योंकि दलितों को तो अपनी जनसंख्या के अनुपात में मिल गया है, लेकिन ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला है। तो जिस तरह से काशीराम ने ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की लड़ी थी, इसी तरह से ये हमारा जो शुद्ध वर्ण है पूरा का पूरा, उसमें जो दलित वर्ग है उनको अपनी लड़ाई, एट्रोसिटीज की लड़ाई न लड़ करके उन्हें 52% के आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि जो ओबीसी वर्ग जो है दलितों के साथ कंधा से कंधा मिला करके बहुजन समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। और आरक्षण नहीं, ये हिस्सेदारी की जो लड़ाई जो है, पहले सरकार बनाए, सरकार बनाने के बाद में सबको बांट बांट के हिस्सेदारी दे सकता है, दूसरे लोग नहीं दे सकते। हम अपनी सरकार स्वयं बनाएंगे तो अपनी हिस्सेदारी अपने आप बांट देंगे। इसलिए बहुजन समाज की बनाने की जरूरत है, इस समय सरकार बनाने की जरूरत है, और सरकार पे हमें दूसरों के यहाँ टिकट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास टिकट की मशीन है, और अपनी मशीन, अपनी टिकट, और अपना राजा स्वयं बनाना चाहिए। ये मंडल कमीशन का संदेश है।